देखिए जी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हमने इस मकसद के लिए की थी कि देश को जो ओलंपिक मेडल है वो हम दें और भिवानी से दें, और हम अपने मकसद में कामयाब रहे। और हमारा ये भी इरादा था कि हम खाली ब्रॉन्ज मेडल तक अपने आप को सीमित ना रखें और भी आगे बढ़ें। उसी सफ़र को तय करने के लिए अब हम आगे प्रयासरत हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब जाना जाता है देश को बॉक्सिंग में अनेकों इंटरनेशनल मेडल्स दिलवाने के लिए, और ये महज एक एकेडमी ही नहीं, यह इंस्पायरिंग बॉक्सर्स को ग्रेटनेस की ओर लेकर जाने वाली राह है। मेरे जो चाचा हैं विजेंदर सिंह बेनीवाल, तो उनको देख के मैं मोटिवेट हुई। उन्होंने इसी क्लब से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग करना, जगदीप सर के पास से, तो इसीलिए मैं भी इसी क्लब में मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया। भिवानी बॉक्सिंग क्लब में बहती पसीने की हर एक बूंद और ट्रेनिंग में लगता हर एक पंच शेप्स द फ्यूचर ऑफ इट्स बॉक्सर्स। बॉक्सिंग हियर इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, हमारी ये तीनों वैल्यू हैं और इन्हीं के बल पे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और अपने खिलाड़ियों को भी यही कहते हैं, इन चीज़ों के बिना ज़िंदगी में सफलता के बुलंदियों तक पहुंचना मुश्किल है। बॉक्सिंग करने का मेरी इच्छा हुई कि मैं बॉक्सिंग करूं, पर मेरी जो मौसी है कविता चैल, वो मेरी बड़ी बहन ललिता है, वो भी बॉक्सिंग करती है, वो भी एशियन चैम्पियन है, तो वो ललिता को लेके आई थी उनके देखो देख, फिर मैं भी इधर आ गई। दुनिया में बेस्ट बनने के लिए जरूरी है प्रॉपर न्यूट्रिशन और गुड फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। न्यूट्रिशन की बहुत महत्ता है, खेलों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, और उसके लिए हम बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि च्यवनप्राश है या दूसरी कोई चीज़ें हैं वो लें, ताकि अपनी उनकी स्फूर्ति और फुर्ती बनी रहे। डाबर च्यवनप्राश सपोर्ट और सल्यूट करता है इन सभी फ्यूचर बॉक्सर्स को।